मेरी जो जर्नी थी यूट्यूब की वो मैंने अपने फ़ोन से स्टार्ट करा है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास कैमरा होना ज़रूरी है अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। मैं जो मेहंदी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ वो कैसे करती हूँ, आज तो मेरे पास कैमरा है, ट्राईपॉड है, सब कुछ है, बट आज भी मैं कैमरे से वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी चैनल, मैं हूँ साक्षी और मेरी यूट्यूब चैनल मिस गुप्ता ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो जो बना रही हूँ ये बहुत ही रैंडम बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप मेहंदी कैसे मतलब रिकॉर्ड करती है मेहंदी को, तो मैं शेयर करो, तो ये वीडियो सिर्फ 2 से 4 मिनट का होगा, ज़्यादा टाइम मैं आप लोग का बर्बाद नहीं करूँगी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं जो मेहंदी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ वो कैसे करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना आइकन की, जब भी मैं कोई ऐसी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। एंड आज तो मेरे पास कैमरा है, ट्राईपॉड है, सब कुछ है, बट आज भी मैं कैमरे से वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो मेरी जो जर्नी थी यूट्यूब की वो मैंने अपने फ़ोन से स्टार्ट करा है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास कैमरा होना ज़रूरी है अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, तो भाई कोई भी मैटर नहीं करता आप कैमरा या फ़ोन। तो ये वीडियो तो मैं फ़ोन से ही बना रही हूँ, चलो नीचे दिखाते हैं मैं कैसे नॉर्मल तरीके से वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोग को भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आप मेरे तरीके से बना सकते हैं। चलो चलते हैं नीचे, फिर नीचे दिखाते हैं आप लोग को, क्योंकि नीचे ही सब कुछ रखा हुआ है। लाइट बंद कर देते हैं यहाँ की, चलो चलते हैं। सो गाइस, ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं रात में सोती हूँ, और मोस्टली मैं वीडियोस यहीं पे बनाती हूँ, बाकी नहीं तो ऊपर भी बनाती हूँ और आगे सबके साथ बैठ के भी बनाती हूँ, क्योंकि अकेले कभी कभी बोर हो जाती हूँ तो इसलिए। एंड ये है मेरा ट्राईपॉड, तो ये मैं ऐसे रख लेती हूँ बेड के ऊपर। फिर क्या करती हूँ, इसको इनको कर लिया नीचे। मैं नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ भाई, मैं बहुत ही बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ कि मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ। तो ये है मेरा ट्राईपॉड, तो ये है मेरा कैमरा, ये मैं लगा देती हूँ यहाँ पे स्टैंड में, तो ये लग गया स्टैंड में। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कैमरे से ही बनाती हूँ, मैं हर तरीके से अपनी वीडियोस बनाती हूँ, मैं मोबाइल से भी बनाती हूँ, कैमरे से भी बनाती हूँ। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, मैं लगा देती हूँ कैमरा और ये निकाल लिया। एंड फिर हमें एक जरूरत पड़ती है डिब्बे की, जो कि मैं अपने पापा की दुकान के ये डोसा का तवा यूज करती हूँ, डिब्बे में डिब्बा ले लेती हूँ पापा के, और डिब्बा मैं ही खराब करती हूँ उनके। और ये है डोसा का तवा जो कि मैं अपने यहाँ पर रख लेती हूँ, और ये है कपड़ा जो कि मैं मेहंदी में यूज करती हूँ, मोस्टली आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस में, तो कुछ इस तरीके से मेरा लुक आ जाता है इसका डिब्बे का। तो बस यहाँ पे मेहंदी कोन, ये है मेरी मेहंदी कोन, बस मैं यहाँ से ऐसे करके अपनी यहाँ से मैं ओपन कर लेती हूँ इसको, और कुछ इस तरीके से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। गाइस, कुछ इस तरीके से मैं वीडियोस बनाती हूँ, और ये मेरा सेटअप हर जगह लग जाता है, कोई भी जरूरी नहीं है कि मैं एक जगह पे ही बनाऊँ। तो कुछ इस तरीके का मैं वीडियोस डेली बनाती हूँ, जो मैं मेहंदी आप लोग देखते हैं। और मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ, जो कि आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास एक अच्छा फोन नहीं है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ना, तो एक टूटे फोन से स्टार्ट करा था। ये आप लोग देख सकते हैं, मोटोरोला का फोन है, जो कि मैं अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, अब तो बिल्कुल खराब हो चुका है, जो कि बिल्कुल ओपन ही नहीं होता है। तो इससे मैं, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पहले भी ऐसे ही टूटी थी, तो मैं इससे वीडियोस बनाती थी। अब तो मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी मैं कभी कभी, और जो मेरा फोन है जो इससे वीडियोस बन रही है, इससे भी मैं अभी भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो और जो मैंने बताया था कि प्रमोशन के बारे में, तो वो भी सही है कि मैं प्रमोशन करूंगी आप लोगों का, क्योंकि
काफी लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाते हैं और बट उनको कोई देख नहीं पाता है, तो मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने चैनल में मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 2 से 4 महीने आपको कंटिन्यू रोज डेली वीडियो डालना होगा। और अगर फिर भी आप लोग उसमें अच्छा ग्रो नहीं कर पाते तो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी और मैं आपको अपने मेहंदी वाले चैनल में आपको प्रमोट करूंगी एंड आपको ब्लॉग वाले चैनल पे भी प्रमोट करूंगी। सो गाइस, आप लोग को ये जो मैंने वीडियो बताया है कि ऐसे आप लोग बना सकते हैं अपने मेहंदी चैनल को, सो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने बताया, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं बताया कि मैं अपनी वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करती हूँ मेहंदी की। सो मेरी तरीके से अगर आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते तो बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। मैं इतना जो कैमरा वगैरह अभी लेके बैठी हूँ, जब पहले वो करती थी तो पहले ऐसे ही बनाती थी। पहले तो ये सब ट्राईपॉड तक मैंने नहीं खरीदा था, पहले ट्राईपॉड नहीं खरीदा था, भैया से कहती थी पकड़ के बैठो तब वो बैठता था और बहुत सारा भाई मक्खी बैठने लगती थी तो कहते थे पंखा करो। अब तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो चुकी हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले जो था बहुत ही मैंने स्ट्रगल किया है, तब कहीं जाके ये कैमरा ट्राईपॉड इतने महंगे महंगे चीजें ले पाई हूँ। नहीं तो और मैंने जब तक उससे पैसा नहीं कमाया तब तक मैंने 1 रुपए भी अपने यूट्यूब के वीडियोस के लिए कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है। गाइस मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, सो आपको भी करना पड़ेगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना। बाय गाइस, लव यू, बाय।